नमस्कार, न्यूज टुडे की आज की खबरों में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। टाइम्स नाउ की खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2024 के आम चुनाव में सत्ता में लौटेगा और वह लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनके तीसरे कार्यकाल के दौरान भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा, हमारे पहले कार्यकाल की शुरुआत में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी। हमारे दूसरे कार्यकाल के दौरान भारत अब काम में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा, ये मोदी की गारंटी है, पीएम ने राष्ट्रीय राजधानी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा। मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO परिसर भारत मंडपम का उद्घाटन करने के बाद टिप्पणी की, जहां सितंबर में G20 बैठक होने वाली है। उद्घाटन के बाद संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, आज हम सफा कर रहे हैं, इस भारत मंडपम से हर भारतीय खुश है। भारत मंडपम भारत की क्षमता और नई ऊर्जा का प्रतीक है। पीएम ने कहा कि भारत मंडपम देखने के बाद हर भारतीय खुश है, गर्व से भरा है। यह भी कहा कि दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, कुछ लोगों में टिप्पणी करने और अच्छे कामों को रोकने की प्रवृत्ति होती है। जब कर्तव्य पथ बन रहा था तब अखबारों के पहले पन्ने पर ब्रेकिंग न्यूज के रूप में कई बातें चल रही थी। इसे अदालतों में भी उठाया गया था, लेकिन जब इसका निर्माण किया गया तो उन्हीं लोगों ने कहा कि यह अच्छा है। मुझे यकीन है कि टोली भी भारत मंडपम को स्वीकार करेंगे और यह भी संभव है कि वे एक संगोष्ठी में व्याख्यान देने के लिए यहां आएं। प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में एकीकृत प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर ICC को एक आधुनिक परिसर के रूप में बनाया गया है, जो कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कवर स्थान के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 प्रदर्शनी और सम्मेलन परिसरों में अपनी जगह पाता है, जो जर्मनी में हनोवर प्रदर्शनी केंद्र, शंघाई में राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र NICC जैसे विशाल नामों को टक्कर देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।